Hi, my name is Dr. Siddhant Bhargava and I'm the co-founder of Food Darzee. Today's topic is going to be about immunity. Ab mujhe pata hai, immunity has become such a saturated word. Sab isi ke baare mein baat kar rahe hain, but ye bahut important hai aur aate waqt mein bhi its importance is going to keep increasing. You need to be aware of how to keep your immunity up. And bahut log cheeze bolte hain, kaadha piyo, ye piyo, wo piyo. But let me tell you factually and scientifically what is really going to up your immunity. Now, before starting with the video, make sure you have subscribed to the Food Darzee channel. वो bell icon जो यहाँ पे होती है, उसको please click करो. We push out videos every Tuesday and Friday. अलग-अलग चीजों के बारे में videos push out करते हैं. अगर आप subscribed रहोगे, you will always know when we're putting out a video, and you can come and engage with that video. ठीक है? Let's get right to the video. सबसे पहली चीज इम्यूनिटी क्या होती है. इम्यूनिटी इज द केपेबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन. ठीक है, अब ये इन्फेक्शन छोटा सा हो सकता है, बड़ा सा हो सकता है, बट ये सारी चीजें इम्यूनिटी के ऊपर ही होती हैं. नाउ इम्यूनिटी क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स अलोंग विद द ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन्स. ठीक है, अब ज्यादा साइंटिफिक हो गया, लेट मी मेक इट सिंपल. इम्यूनिटी के ना बहुत फैसेट्स होते हैं. आपका सलाइवा इम्यूनिटी है, आपके नाक के बाल इम्यूनिटी है, आपकी आईलिड्स इम्यूनिटी है, आपकी गट लाइनिंग मतलब स्टमक के अंदर की लाइनिंग इम्यूनिटी है. हर चीजों के बारे में तो बात नहीं कर सकते. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अ जनरलाइज्ड इम्यूनिटी, जहां पे हम अपनी बॉडी की कैपेबिलिटीज को हर समय बढ़ा के रखते हैं. सो इट्स अ फैक्ट दैट इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन हाउ हेल्दी योर लाइफस्टाइल इज. जितनी आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होगी, उतनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी होगी. ये फैक्ट है. लाइफस्टाइल को हेल्दी कैसे बनाएं? हम चार स्टेप्स की बात करेंगे. न्यूट्रिशन, इसमें हाइड्रेशन भी इंक्लूड कर लेंगे, स्ट्रेस एंड स्लीप, सप्लीमेंट्स एंड एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो पांच चीजें होंगी, लेकिन हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन को क्लब मैंने कर दिया. लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन. अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, उसकी इम्यूनिटी लो है. सिंपल मतलब आपको पानी पीते रहना है, आपको अपने इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम अप रखने हैं. बनानास खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, नट्स खाओ, ये सारी चीज़ें खाओ, बट अपने हाइड्रेशन को अप रखो, पानी ज़्यादा पियो. अगर आपको पानी का टेस्ट नहीं पसंद है, ड्रिंक नींबू पानी, ड्रिंक कोकोनट वाटर, यू कैन पुट पुदीना एंड लेमन एंड ऑल ऑफ दैट इन योर वाटर एंड ड्रिंक लाइक अ फ्लेवर्ड वाटर, बट कीप योर हाइड्रेशन लेवल्स अप ऑलवेज. अवॉइड फ्रूट जूसेस, वाइट अवॉइड फ्रूट जूसेस, बिकॉज दे आर नथिंग बट शुगर, दे आर प्री डिस्पोजिंग यू फॉर मोर इन्फेक्शन. जितनी चीनी आपके खून में रहेगी, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन आपको होगा. सो चीनी कम रखनी है, especially fruit juices मत पीना, whole fruit खाना. ये hydration हो गया. दूसरी चीज होती है nutrition. Hydration हमने cover कर लिया, nutrition में क्या करें? Protein, fat and carbs. आपको हमेशा आपकी body को तंदरुस्त रखना है, मतलब अगर आपको immunity बढ़ाई रखनी है, don't under eat. उन लोगों से मत बनो जो बहुत under eat करते हैं weight loss के नाम पे, क्योंकि अगर आप बहुत under eating करोगे, आपकी immunity कम होने ही होने वाली है. Nothing can be done about that. So eat at maintenance calories. Protein जरूर खाना, because protein सारी cells का building block होता है. Even your immunity cells का building block is protein. So make sure that you're having protein always. Chicken, paneer, anda, soya, dal, rajma, pulses, lentils. इतने सारे proteins होते हैं. Choose any one, choose any two, choose any three, but make sure protein intake is up. कितना? 0.8 to 1.2 gram per kg body weight. ठीक है, 0.8 to 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन खाना है. नेक्स्ट थिंग इज फैट. वेरी सिंपल, घी खा सकते हो, ऑलिव ऑयल कर सकते हो, एवोकाडोस खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, चीज खा सकते हो, ये सारे हेल्दी फैट्स होते हैं. जितना आप एक मात्रा में फैट्स खाओगे, उतने एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपके शरीर में आएंगे, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशल टू योर इम्यूनिटी. एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आर वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी. ओमेगा 3 का नाम सुना है? फ्लैक्स सीड्स, अलसी, फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, सालमन बोलते हैं, बट मैंने सैलमन बोल दिया. दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू ईट टू इम्प्रूव योर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इन योर बॉडी. ठीक है, थर्ड थिंग इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स इज नेसेसरी फॉर एनर्जी, येस, बट बहुत ज्यादा चीनी नहीं खानी है. मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था, ज्यादा चीनी खाओगे, यू विल बी प्री डिस्पोज टू इन्फेक्शन. सो ज्यादा चीनी नहीं खानी है. ठीक है, सो ये आपका एक बैलेंस डाइट हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया. एक चीज आप उसमें ऐड करोगे, वो है दही. दही इज अ वेरी 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 गुड प्रोबायोटिक. याद है मैंने आपको कहा था, आपकी गट लाइनिंग में भी इम्यूनिटी होती है. जितना गुड बैक्टीरिया आपके गट में प्रोलिफरेट होगा, दैट्स हाउ मच मोर इम्यूनिटी यू विल कीप डेवलपिंग. सो फर्मेंटेड फ्रूट्स लाइक किमची, दही, अचार एट टाइम्स, डोसा, इडली, ऑल दीज फर्मेंटेड फ्रूट्स ऑल्सो इम्प्रूव योर इम्यूनिटी. ठीक है, दिस इज द फोर्थ थिंग दैट आई स्पोक अबाउट इम्यूनिटी. द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल टेल यू इज दैट सप्लीमेंट्स.
ठीक है, सप्लीमेंट्स का आप क्या करें ना, सप्लीमेंट शुड ओनली एंड ओनली बी हैड फॉर द पर्पस ऑफ एंटी ऑक्सीडेशन। विटामिन बी सप्लीमेंट से आपकी इम्यूनिटी इतनी कुछ ज्यादा बढ़ेगी नहीं, लेकिन विटामिन ए, विटामिन सी, हल्दी, जिंजर, गार्लिक, जीरा, ये सारी जो इंडियन चीजें होती हैं, ये सब सप्लीमेंट करो अपने खाने में। वेदर यू गेट इट फ्रॉम अ सप्लीमेंट, मतलब बाहर का कैप्सूल टैबलेट, या आप अपने खाने में डालो, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की सख्त जरूरत है। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ योर सेल्स, दे प्रिवेंट डाइंग ऑफ योर सेल्स, दे प्रिवेंट डीजेनरेशन ऑफ योर सेल्स। सो नाउ वेदर यू गेट दी एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रॉम फ्रूट्स विच आर कलर्ड, वेजिटेबल्स विच आर कलर्ड, और सप्लीमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, डज नॉट मैटर, बट दीज एंटीऑक्सीडेंट्स हैव टू बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, एक्सरसाइज। इट इज अ प्रूवन फैक्ट दैट अगर एक आदमी दिन में 35 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करे, उसकी इम्यूनिटी 45% से बूस्ट होती है। बना नहीं रहा हूं, ये फैक्ट है। मतलब आपको रोज 20 मिनट कार्डियो, मतलब भागा दौड़ी, एंड 20 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी क्या? वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, ये सारी चीजें आपको करनी है, बिकॉज this is going to improve your muscle mass, this is going to increase your metabolic rate, and is also going to improve your immunity. Now, agar aapke paas zyada time hai exercise karne ke liye, cardio ko 20 minute rakho, ye weight training ko badhate jao. Din mein 1 ghanta karoge, hafte mein 4 se 5 baar, superb for your immunity. Surya namaskars are also very good for immunity. So, your warm-up can contain Surya namaskars, and then you can do all your Western traditional exercises. And lastly, what I want to talk about is stress and sleep. I know ये बहुत simple sound करते हैं, stress मत लो, sleep ज़्यादा करो। I know it's easier said than done, but the fact of the matter is, जितना आप stress करोगे, उतने आपके cortisol levels बढ़ेंगे। जितना आपके cortisol levels बढ़ेंगे, उतनी आपकी immunity सीधा नीचे आएगी। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको personal experience भी बता रहा हूँ। जितना cortisol ऊपर जाएगा, उतनी immunity कम होगी। Stress less, meditate, breathe, laugh, ये सारी चीजों से stress कम होता है। And lastly, sleep. 6-8 घंटे आपको सोना है। अगर आप कम सोओगे, आपकी इम्यूनिटी कम होगी, तो आपको इन्फेक्शन होंगे। एज सिंपल एज दैट। 5 स्टेप्स मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, कैसे आपको अपनी इम्यूनिटी को अप रखना है। हाउ डू यू मेक श्योर दैट योर इम्यूनिटी इज ऑलवेज केप्ट अप? दी स्टेप्स आर सिंपल, मेक श्योर दैट यू फॉलो देम। इफ यू लाइक दी स्टेप्स, मेक श्योर यू लाइक दैट वीडियो, शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू नो हाउ टू कीप देयर इम्यूनिटी अप। बिकॉज आपको क्या लगता है, कोरोना वायरस लास्ट इन्फेक्शन होगा जो आपके तरफ आने वाला है? Your life is always going to have infectious things around you. You need to keep your immunity up. Share it with all of your friends. अगर आपके कुछ suggestions हैं, कुछ questions हैं, नीचे comment box में डाल दो। I will make sure that we reply to them. Don't forget to subscribe to the Food Darzee channel. We post videos every Tuesday and Friday. Please click on that bell icon down below, ताकि जब हम video post करें, आपको पता चल जाए। Thank you so much and stay safe.